गांव में भगवती नाम की एक विधवा अपनी 4 साल की बेटी ईशानी के साथ रहती थी। भगवती गांव के दूसरे लोगों के घर जाकर उनके कपड़े इस्त्री करा करती थी और उस काम से मिले पैसों से अपनी बेटी और घर को संभालती थी। एक दिन जब भगवती अपनी बेटी के साथ एक दुकान के सामने से गुजर रही थी, तभी उसकी बेटी कुछ खाने के लिए जिद करने लगती है। माँ, मुझे वो चीज चाहिए। अरे नहीं बेटा, वो अच्छी नहीं होती। नहीं मम्मी, वो अच्छी होती है, मुझे वही खाना है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें वो नहीं दिला सकती। नहीं माँ, प्लीज मुझे वही चाहिए। आपने मुझे कभी ऐसी चीजें नहीं दिलाई, आज तो दिला दीजिए। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो तुम्हें ये चीजें दिला सकूं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। भगवती इस बात से बहुत उदास हो जाती है और इशिता के साथ अपने घर चली जाती है। एक दिन भगवती अपनी बेटी के साथ रात को टहलने के लिए सड़क पर निकल पड़ी। अरे वाह माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम कितने दिनों बाद ऐसे एक साथ वक्त गुजार रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, वरना तो मेरे पति के जाने के बाद जैसे मेरी सारी खुशियाँ ही चली गई हो। अरे माँ देखो, यहाँ तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें खुश देखकर। भगवती और इशिता यूं ही सड़क पर टहल ही रहे थे कि तभी पीछे से एक गाड़ी बड़ी तेजी से आती है और भगवती को टक्कर मारकर चली जाती है। भगवती जब गिरती है, उसका सिर किसी पैनी चीज से जाकर लग जाता है और जमीन पर गिरकर मर जाती है। इशिता अपनी माँ को खून से लथपथ देखकर जोर जोर से रोने लगती है, पर रात के समय वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई उसकी मदद करने नहीं आता। भगवती मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं मर गई और चुड़ैल भी बन गई, लेकिन मैं मरी कैसे? तभी चुड़ैल देखती है कि उसकी लाश के पास एक प्रेस रखी थी। हाँ, हो ना हो मेरी मौत इसी प्रेस से ही हुई है। तभी उस चुड़ैल की नजर अपनी बेटी पर जाती है जो उसकी लाश के साथ बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अब मेरी बच्ची का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा, अब क्या करूँ मैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती है तो वो उसे गोद में नहीं ले पाती, क्योंकि अब वो एक आत्मा बन चुकी है। हे भगवान, मैं तो अपनी बच्ची को गोद में भी नहीं ले सकती, अब मैं कैसे संभालूंगी अपनी बेटी को। तभी चुड़ैल के पास दूसरी चुड़ैल उसे रोते हुए देखकर आती है। अरे तुम यहाँ खड़ी रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? मेरी टक्कर किसी गाड़ी से हो गई थी और एक प्रेस से मेरा सर लग गया और मैं मर गई, अब मेरी बेटी को कौन संभालेगा, मेरी बेटी यहाँ रो रही है और मैं उसे गोद में भी नहीं ले सकती, वैसे आप कौन है? मैं चुड़ैलों की दुनिया की चुड़ैल रानी हूँ और अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा चुड़ैल की दुनिया में। नहीं नहीं, मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊंगी, मेरी बच्ची यहाँ अकेली मेरी लाश के पास बैठकर रो रही है। अरे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है उसके सामने, मैं उसे कैसे पालूंगी। अरे तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक जादुई चीज है। कैसी जादुई चीज? क्योंकि तुम्हारी मौत एक प्रेस के लगने से हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई प्रेस देती हूँ। इससे तुम जब किसी के कपड़े प्रेस करोगी तो ना तो उन पर से उनकी सिलवटें मिटेंगी, बल्कि वो कपड़े बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। इससे तुम्हारी आमदनी भी दुगनी हो जाएगी और तुम अपनी बच्ची का ख्याल भी रख पाओगी। आपकी इस जादुई प्रेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं कैसे लोगों के घर जाकर अब प्रेस करने का काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो चुड़ैल बन चुकी हूँ। अगर लोगों ने मुझे इस रूप में देख लिया तो वो बहुत डर जाएंगे, और आमदनी तो क्या, मैं तो अपनी बच्ची को उस गाँव में ही नहीं रख पाऊंगी, और तो और मेरी बेटी भी मुझे ऐसे देख कर डर जाएगी। हाँ तुम्हारी ये भी बात सही है, और मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम सुबह 5 से लेकर शाम के 7 बजे तक एक इंसानी रूप में ही रहोगी, जैसे तुम पहले दिखती थी बिल्कुल वैसे ही। ऐसे तुम लोगों के घर जाकर काम भी कर पाओगी और ऐसे तुम्हारी बच्ची भी नहीं डरेगी तुमसे, और तुम उसे अपनी गोद में भी उठा सकती हो। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ चुड़ैल रानी। अरे मेरा तो फर्ज ही है सभी चुड़ैलों की मदद करना। तभी वो चुड़ैल रानी चुड़ैल के हाथ में जादुई प्रेस थमाकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे वाह, अब मैं अपनी बच्ची को पाल पाऊंगी। तभी उसकी बेटी उसका डरावना चेहरा देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, ये मैं हूँ तेरी माँ, तू अपनी माँ से तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, तुम चुड़ैल हो चुड़ैल। नहीं मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं मर गई थी ना, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। तभी इशिता चुप हो जाती है। माँ तुम सच में मेरी माँ हो? तभी चुड़ैल इशिता को अपने गले में लॉकेट दिखाती है। देखो मेरी बच्ची, यही वो लॉकेट है जो तुमने मुझे अपने हाथों से पहनाया था।
हाँ ये तो वही लॉकेट है, तुम तो सच में मेरी माँ हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सुबह के 5 बजते ही चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है। अब तो मैं अपने इंसानी रूप में आ गई हूँ, अब मैं काम करने जाऊंगी। चुड़ैल अपने काम के लिए निकल जाती है। जब चुड़ैल अपने जादुई प्रेस से लोगों के कपड़े प्रेस करती है तो लोग खुशी से उसे दुगनी रकम देते हैं। एक दिन किसी ने चुड़ैल से पूछा, अरे भगवती जी आपके पास नई नवेली प्रेस कहाँ से आ गई? कल तक तो आपके पास आपको अपनी बच्ची को स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं थे। हाँ वो कुछ आमदनी बचाकर रखी थी, उसी से लेकर आई हूँ ये नई प्रेस। अरे पर आपकी ये प्रेस बिल्कुल जादुई है, मेरी कुर्ती बिल्कुल नई हो गई। अरे सब टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी। अरे भगवती जी वो टेक्नोलॉजी होता है, आप अंग्रेजी ना बोला करें। सारा बखेड़ा कर देती है। अरे तुम चुप रहो, बढ़िया ही मुझे बताने वाली। तुम्हारी कुर्ती प्रेस हो गई ना, लाओ दो मेरे पैसे। हाँ हाँ ये लो अपने पैसे। चुड़ैल 7 बजे के बाद जल्दी से अपने घर चली जाती है और फिर से अपने डरावने चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल के पास अब इतनी आमदनी इकट्ठा हो चुकी थी कि वो अपनी बेटी इशिता को स्कूल भेज सके। अब इशिता रोज अपने स्कूल जाया करती थी और वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी। ऐसा सब कुछ कई साल तक चला और अब इशिता भी 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन एक चोर की नजर चुड़ैल की जादुई प्रेस पर पड़ जाती है। अरे वाह ये तो बड़ी सही प्रेस है, अगर इसको बेच के आऊंगा तो बहुत सही पैसे मिलेंगे। इसको तो आज रात को ही गायब करूंगा। जब रात को चुड़ैल अपने घर में अपनी बेटी को सुलाने के बाद सो रही होती है तभी वो चोर उसके घर आ टपकता है। अरे वाह घर तक तो पहुंच गया हूँ, अब मैं जरा वो प्रेस चुरा लूं। चोर जब चुपके से घर में प्रेस ढूंढ रहा होता है तभी गलती से उससे कुछ सामान गिर जाता है। आवाज सुनकर चुड़ैल उठ जाती है। अरे कौन है, कौन है यहाँ? चोर जैसे ही चुड़ैल को देखता है तो वो बहुत डर जाता है। अरे चुड़ैल चुड़ैल अब मैं पूरे गांव को बताऊंगा कि हमारे गांव में एक चुड़ैल रह रही है। अच्छा कैसे बताएगा तू, मैं तुझे बताने ही नहीं दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। तभी चुड़ैल अपनी जादुई प्रेस उठाती है और चोर को जलाकर मार देती है और उसकी जली हुई लाश को गांव में फेंक आती है। जब सुबह सब लोग चोर की लाश को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। अरे ये तो उस चोर की लाश है जो एक दिन मेरे घर में चोरी करने आया था और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। हाँ। अरे हाँ ये तो वही है। तभी किसी गांव वाले की नजर चोर की लाश पर बने हुए एक प्रेस के जले हुए निशान पर जाती है। अरे ये तो प्रेस का निशान है, यानी इसको उस इंसान ने मारा है जिसके पास प्रेस है। हमारे गांव में तो एक ही प्रेस वाली है, वो है भगवती जी। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, चलो सब उनके घर चलते हैं। ओहो इस वक्त तो वो अपने काम पर होती हैं, हम सब शाम को ही जाते हैं, हैं? जब शाम को 7 बज जाते हैं तभी वो चुड़ैल अपने इंसानी रूप में नहीं बल्कि अपने चुड़ैल रूप में होती है। जैसे गांव वाले उसको देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। नहीं नहीं गांव वालों मैं तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे ये क्या तुम भगवती जी के घर क्या कर रही हो, रुको मैं अभी किसी तांत्रिक को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं तुम लोगों को सब सच सच बताती हूँ, तुम लोग किसी तांत्रिक को मत बुलाओ, मैं भगवती ही हूँ और मुझे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी जिससे मेरा सर नीचे रखे प्रेस से जाकर लग गया और मैं मर गई, फिर मैं चुड़ैल बन गई। चुड़ैल सब कुछ गांव वालों को बता देती है। अच्छा तो ये बात है, फिर अब क्या होगा? अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं तब तक यहाँ रहकर उसे पालूंगी। गांव वालों को चुड़ैल की ये बात अच्छी लगती है और वो उसे वहीं पर रहने देते हैं। कुछ सालों बाद जैसे ही इशिता अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।